नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। मानगो में दिन दहाड़े अपराधियों ने चलाई गोली, बीच सड़क पर दी वारदात को अंजाम। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत जाकिर नगर रोड नंबर 16 माधव बग कॉलोनी के पास अपराधियों द्वारा एक युवक सज्जाद उर्फ टांगा पर गोलियां चलाई गई। मानगो में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने टांगा को गोली मारी। घटना के समय टाइगर मोबाइल के जवान भी पहुंच गए। इस दौरान टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव को भी बदमाशों ने गोली मारी। एक अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया। जहां मौके पर पहुंचे टाइगर मोबाइल जवान पर भी अपराधियों ने गोलियां चला दी। वहीं घायल दोनों को तत्काल इलाज के लिए TMH अस्पताल ले जाया गया, जहां सज्जाद उर्फ टांगा के इलाज के क्रम में मौत हो गई। वहीं टाइगर जवान का फिलहाल इलाज चल रहा है। दूसरी ओर घटनास्थल पर टाइगर मोबाइल के जवान द्वारा पकड़े गए हमलावर के पास से 3 पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है। हमलावर द्वारा घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई है। बताया जाता है कि 3 अपराधी वहां आए थे और सज्जाद को ही निशाना बनाया गया। सज्जाद को गोली मारकर जब अपराधी भाग रहे थे तो पुलिस जवानों ने उनको घेरा। 2 अपराधी वहां से भाग निकले जबकि 1 अपराधी पकड़ा गया, जिसके पास से 3 पिस्तौल बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि सज्जाद उर्फ टांगा भी आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है। उस पर सुनारी में एक कारोबारी पर बम चलाने का भी आरोप है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पकड़े गए अपराधी से पूछताछ कर रही है। घटना के बारे में सूचना पाकर TMH पहुंचे शहर के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री कौशल किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि मानगो में अपराधियों द्वारा एक युवक पर गोली चलाई गई है, जिस क्रम में टाइगर मोबाइल जवान भी मुठभेड़ में घायल हो गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल TMH में चल रहा है। नाम के एक व्यक्ति को पर फायरिंग की घटना कारित की गई कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा, जिसमें उनको अस्पताल लाया गया है, उनको डेटिक्लेयर किया गया है। और अपराधी जब उनको उसको जब गोली मारने के बाद वहाँ से भागने की फिराक में थे, उसी दौरान हमारे जो बाइक पेट्रोल के जो जवान हैं, उनके जवान हैं, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की अपराधियों को। और उस दौरान एक अपराधी को पकड़ने में इन्होंने कामयाब भी हुए और उसमें 3 हथियार भी बरामद हुए हैं, जिंदा गोलियाँ भी बरामद हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो जवान हैं उनको भी गोली लगी और अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इलाज कराया जा रहा है। जो संभव है इलाज के तमाम इंतजाम किए गए हैं और जो लोग इसमें शामिल थे, एक अपराधी पकड़ा गया और हथियार बरामद हुआ है, जैसा मैंने बताया। बाकी